आरक्षण की आवश्यकता है। इस पर आज जिनके हाथ से हुकूमत है उनका भरोसा नहीं है। यह आरक्षण की लड़ाई शायद आपसे नाम सुना होगा, जयराम जी। ये जयराम जी ने आरक्षण की लड़ाई शुरू की। इसे कुछ लोग नाराज है, कई लोग खुशी में। हमारे सामने एक गरीबी के खिलाफ लड़ाई करी, जो बेरोजगारी है इसके खिलाफ लड़ाई करी है। अजय करना हो तो शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देनी थी, वही आवश्यकता। अब मुझे खुशी है, मैं देखता हूँ गांव गांव में आजकल मुस्लिम बच्चे पढ़ाई के बारे में सीरियस बन गए और अपने व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाने के लिए पढ़ाई हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये सोचकर वहां काम करने की शुरुआत होने की है। कई जगह पर जाने के बाद लोग आजकल आरक्षण की बात करते हैं, रिजर्वेशन। ये बात सच है कि हम सब लोग वहां चले हुकूमत से, तो हम लोगों ने एक तय किया 5% रिजर्वेशन हम लोगों ने माना चीज को दे दिया। हमारा बदकिस्मत है कि कोर्टबाजी हो गई और कोर्ट ने 5% आरक्षण का स्वीकार किया और सब गवर्नमेंट भी बदली, नई गवर्नमेंट आ गई और नई गवर्नमेंट इस तरह से समाज के वजन के छोटे सच्चे उन्हें ज्यादा सुविधा देने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। इस पर आज जिनके हाथ से हुकूमत है उनका भरोसा नहीं है और इसीलिए उन्होंने जो 25% आरक्षण था वो खत्म किया और कोई नया रास्ता सड़क के अधिकार दिखाने के लिए एक कदम भी फिर से 10 साल में उन्होंने उठाए हैं। मुझे एक बात की खुशी है, आजकल महाराष्ट्र में किसानों के बारे में और समाज के कोई वर्ग इनके बारे में एक आरक्षण की लड़ाई शुरू की है। यह आरक्षण की लड़ाई शायद आपसे नाम सुना होगा, जयराम जी। ये जयराम जी ने आरक्षण की लड़ाई शुरू की। इसे कुछ लोग नाराज है, कई लोग खुशी में। इनकी जो बात लोगों के सामने रखना चाहते हैं वो आरक्षण खाली मराठा कम्युनिस्ट के ऊपर देना चाहिए ऐसी उनकी सोच नहीं है। वो चाहते हैं मराठे को आरक्षण मिले, साथ साथ मुस्लिम, धनगर, लिंगायत इन समाज के तथ्य को भी आरक्षण की आवश्यकता है। ये बात बहुत ही जयराम जी ने कही है और इसलिए हम ये जो बात कहना चाहते हैं कि आरक्षण चाहिए तो मुस्लिम को चाहिए, मराठों को चाहिए, धनगर कौन को चाहिए, लिंगायत कौन को चाहिए, सभी के हितों की रक्षा करने की बात किसी ने की तो उसको समझ कर देना हमारे जैसे लोगों का फर्ज है और हमारा पूरा पूरा समर्थन ये जो कैसे है ये कहने के लिए है। ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। मगर दूसरी मेरी बात है, यहाँ कई चंद सचिया ऐसी है
कि जिनके वजह समाज के कई वर्गों के बारे में एक तरह की नफरत है और नफरत का प्रचार करने का गलत कारोबार कई सालों से करते हैं, मगर देश की बहुत बड़ी आवाज है, सिकुलर जो है सिकुलर के बाहर जाने के लिए उसकी चाहिए है। इसीलिए आज के स्थिति में हम ये देश को मजबूत रख सके, दुनिया को हम दिखा सके कि अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, मगर हम भारतीय हैं और हम भारतीय होकर मिलकर यहाँ रहेंगे, तरक्की के रास्ते पर उन्हीं पर रह जाएंगे और यहाँ के लोगों की समस्या हल करेंगे। और मुझे खुशी है इसमें माइनस इसका जो हादसा और खास तौर पर मुस्लिम सेक्शन जो है उनका काम उनका योगदान हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये काम उन्होंने बहुत किया। एक बात मैं देख रहा हूं कई सालों से, जो चीजों की कमियां हैं मुसलमानों में और खास तौर पर नई चीजें हैं, एक शिक्षा और दूसरी गरीबी, बहुत छोटा सेक्शन ऐसा है कि जिनको हम अमीर कह सकते हैं, आज कई गांव में जाइए मेहनत करने वाले अपना खून पसीना देकर अपना परिवार संभालने वाले जो लोगों की जांच आप करेंगे तो इसमें मुसलमानों का तबका सबसे ज्यादा है।